तो अगला टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस ट्यूब इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साउंड इन एयर विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी तो इसका यूजेस आपको पूछ सकता है तो सबसे बड़ा यूज यही है कि इसका यूज होता है वेलोसिटी फाइंड करने में बाय यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंस ट्यूब है लेकिन ये सिमिलर है क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह अगर आप क्लोज ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले को याद कर चुके होंगे तो आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है N equal to v upon 4, capital L. आगे बढ़ेंगे इट अ क्लोज फोर्क इफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज वेर अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें आप अंडरलाइन कर लेंगे कब तक इसकी लेंथ वैरी करेंगे जब तक इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर के बराबर ना हो जाए यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तब हम इसको बोलेंगे रेजोनेंस ऑकर हुआ है और इस ट्यूब का नाम हो जाएगा रेजोनेंस ट्यूब ओके okay. सो so, देन द कॉलम्स रेजुनेट द इमिट्स अ लाउड नोट तब जाके हमें एक लार्ज अब रेजुनेंस हो रहा है ऑब्वियसली तो क्या होना चाहिए फ्रिक्वेंसी इक्वल होना चाहिए बॉडी की फ्रीक्वेंसी और उस ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगे जब दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएंगे तब जाके एक लाउड साउंड आएगा उसी लाउड साउंड के समय हम उस लेंथ को फिक्स कर लेंगे और सभी वैल्यू पुट करके हम वेलॉसिटी ऑफ साउंड को फाइन करेंगे इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट कॉलेज में परफॉर्म किया जाता है सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने दो बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है पहले बार जब हम परफॉर्म करें तो लेंथ एल वन थी और जब हम सेकेंड टाइम परफॉर्म करें तो लेंथ एल टू थी सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड और एंटीनोड फॉर्म हुए हैं नोड और एंटीनोड के बीच का लैमडा बाय फोर पहली बार जब डिस्टेंस था एल वन कितना लेंगे लैमडा बाय फोर ठीक है और एक बार क्या हो जाएगा लैमडा बाय फोर प्लस लैमडा बाय टू इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ हम सॉल्व करने जा रहे हैं सो so, पहली कितनी हो गई पूरी लेंथ मिला के क्या हो जाएगी हमारी मतलब मैं कैपिटल एल की बात कर रहा हूं लैमडा बाई फोर यानी बाजू में हम सेकेंड टाइम क्या करेंगे टाइम दैट इज डायग्राम आप रेफर करेंगे आपको दिख जाएगा कि थ्री लैमडा बाई फोर कैसे आया ठीक है सो आगे बढ़ेंगे हम इन दोनों को सब ट्रैक करेंगे सो so बड़ा कौन सा है आपको डायग्राम से ही दिख रहा है कि यहाँ पे एल टू प्लस ई बड़ा है So हम इसको क्या करना है सब ट्रैक करना है और फाइनल इक्वेशन मैच करना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कॉलम एट रूम टेम्परेचर क्या होती है वी इक्वल टू एन लैमडा लैमडा की वैल्यू पुट कर देंगे वेलोसिटी का आंसर आपका आ जाएगा सो so एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको और एक तरीके से पढ़ सकते हैं फॉर्मूला आपके एग्जाम में आ चुका है सो so, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है इसलिए आप इसको देख लो एल टू प्लस ई और अपॉन एल वन प्लस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है थ्री क्योंकि सो रेशो याद कर लो या तो इस तरीके से याद कर लो मैं तो बोलता हूं बेटर रेशो होगा एल टू प्लस एल वन प्लस टू थ्री ये हो गया आपका फॉर्मूला तो सेकेंड रेजोनेंस इज ऑब्टेन एट द लेंथ मोर देन द थ्राइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेजोनेंस ये एमसीक्यूज भी है आपको इसको रेशो याद कर लेना है ताकि आपको एम याद हो जाए ठीक है तो अगला टॉपिक हम देखेंगे जो कि आपका क्या रहेगा बीट्स ठीक है तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे नंबर वन बीट्स देन डिटर्मिनेशन ऑफ अनोन फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट एंड सम कॉमन केसेस और उसके बाद हम देखेंगे सम टिपिकल केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक देखेंगे बीट्स सो बीट होती क्या है बच्चों बीट होता क्या है एक हायर फ्रीक्वेंसी और एक जो स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस मैं एग्जांपल देता हूँ एक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स की और एक फ्रिक्वेंसी है 52 टू हर्ट्स की इन दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होगा टू बीट पर सेकेंड सो यही टू बीट पर सेकेंड क्या है बीट फ्रीक्वेंसी सो दो फ्रीक्वेंसी का स्लाइड डिफरेंस क्या होता है बीट होता है ठीक है यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 52 टू हर्ड्स माइनस फिफ्टी हर्ड्स इक्वल टू क्या मिल गया हमको टू बीट्स पर सेकेंड सो ये है हमारा बीट्स तो so, देखते हैं डेफिनेशन को ओके okay. When two sound waves ऑफ स्लाइटली डिफरेंट frequency, frequency बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना थोड़ा सा अंतर होना यानी कि होना, तो मैंने बोला टू हर्ड्स और फिफ्टी हर्ड्स हो गया छोटी फ्रिक्वेंसी इनका डिफरेंस कितना आएगा टू ओके सो वेन टू साउंड ऑफ the डिफरेंट direction, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन 50 इम्पोज ऑन ईच अद आपस में क्या हुए सुपर इम्पोज और इनका वैल्यू कितना आया आपको पता है टू बीट्स पर सेकेंड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन राइजेस एंड फॉल्स रेगुलरली विथ टाइम दिस फिनना ऑफ रेगुलर वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद द टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजिशन इज कॉल्ड एज अ बीट सो ये थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन है थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू और आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि बीट्स एक्चुअल में होता क्या है दो फ्रीक्वेंसी का स्लाइड डिफरेंस है क्या कहलाएगा बीट फ्रीकवेंसी ओके okay. सो so, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है ये एक्स्ट्रा नॉलेज बोल सकते हैं आप आपने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि हमारे कानों में साउंड कब तक रहने पर सुनाई देता है तो पॉइंट वन सेकेंड तक अगर साउंड हमारे कानों में रहेगा तो सुनाई देगा अगर उससे पहले ये चला गया तो साउंड नहीं सुनाई देगा सो परसिस्टेंस ऑफ साउंड कितना होता है वन बाय टेंथ ऑफ सेकेंड यानी पॉइंट वन सेकेंड इफ अनदर साउंड इज हर्ड बिफोर वन बाय पॉइंट पॉइंट वन सेकेंड इज ओवर द इम्प्रेशन ऑफ द टू साउंड मेक्सअप एंड आवर माइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू यानी कि परसिस्टेंस कितना होता है मैंने सुनने का परसिस्टेंट यानी आपके कानून में अगर पॉइंट वन सेकेंड तक अगर साउंड है तो ही आपको सुनाई देगा उसके पहले अगर पॉइंट वन सेकेंड के पहले अगर साउंड मतलब उतनी देर तक के लिए है तो आप नहीं सुन पाओगे ठीक है सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंग बीट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेस ऑफ साउंड शुड बी नियरली इक्वल सो डिफरेंस ऑफ लेस देन हमेशा के लिए कितना होना चाहिए यानी कि मैं एक फ्रीक्वेंसी है टेन हर्ट्स तो एक फ्रिक्वेंसी कितना होना चाहिए फिफ्टी नाइन हर्ट यानी कुल मिला के इनका क्या होना चाहिए डिफरेंस दस के नीचे होना चाहिए दस ठीक है बट दस के नीचे होना चाहिए न्यूमरिकल्स में आपको जो वैल्यूज दी रहेगी वो दस के नीचे ही दी रहेगी ठीक है यानी फ्रीक्वेंसी क्या है एक फिफ्टी हर्ट्स और एक सेवेंटी हर्ड्स ऐसा होगा क्या नहीं दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए स्लाइड डिफरेंस ओके सो इक्वेशन ऑफ बीट पॉइंट नंबर टू इफ टू वेव्स ऑफ अब ये इक्वेशन है ये फॉर्मूला बनेगा तो आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा ठीक है सो दो साउंड वेव्स आ रही है तो ऑब्वियसली उनका इक्वेशन क्या होगा ए साइन ओमेगा टी तो पहले वाले का क्या होगा ए साइन ओमेगा वन टी और दूसरे वाले का ए साइन ओमेगा टू टी और इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करेंगे यानी कि क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है अब आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड क्या है अब देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए तो यहाँ पे आपको पता है कि बीट में क्या होता है फ्रिक्वेंसी का स्लाइड डिफरेंस होता है बट एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज सेम सो एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है बट फ्रिक्वेंसी स्लाइड डिफरेंस है सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है ठीक है और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए ये बात ध्यान रखेंगे तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो किसको ऐड करना पड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल ए आ गया है जो कि आपका रिजल्टन एम्पीट्यूड कहलाता है ठीक है जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो आपको मिल गया ए साइन पाए ब्रैकेट एन वन प्लस एन टू ब्रैकेट कंप्लीट इन टू टी तो so, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है आपको पता है यहाँ पे कैपिटल ए अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेशन कर रहा हूँ कि कैसे ये आया होगा तो जैसे ही हमने y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू किया तो कैपिटल ए कैपिटल ए दोनों साइड में था तो कैपिटल ए क्या हुआ दोनों साइड से कॉमन आ गया और हमने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पढ़ के रखा है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा तो यहाँ पे हुआ होगा कैपिटल ए बाहर आ चुका है तो यहाँ पे फॉर्मूला आया साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू इन कॉस माइनस बी बाई टू सो यही फॉर्मूला हमने लगाया सो so लगाएंगे ये फॉर्मूले को क्या आ जाएगा देखेंगे सो so फॉर्मूला आएगा आपका कैपिटल बाहर आ चुका है तो क्या बच गया अंदर में टू साइन टू पाए ब्रैकेट एन वन प्लस एन टू बाई टू ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी इन टू कॉस टू पाए माइनस एन टू अपॉन टू है ना ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी ठीक है फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ स्मॉल ए कॉमन टू साइन टू पाए ब्रैकेट एन वन प्लस एन टू क्योंकि एन वन एन टू ही डिफरेंट है ठीक है सो एन वन प्लस एन टू अपॉन टू ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी इन टू कॉस टू पाए ब्रैकेट एन वन माइनस एन टू अपॉइन टू ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी ठीक है अब यहाँ क्या होगा ठीक है यहाँ एन वन प्लस एन टू अपॉन टू का मतलब क्या होगा एन ठीक है ये मैथमेटिकली होता है या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप क्या करेंगे अब एवरेज नहीं ले रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे आप टू टू कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा एनवल प्लस एन टू बचेगा और जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन वाईक्वल टू जो पूरा प्रॉपर नहीं लिखा है वहाँ पे साइड में एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट ही शो किया गया है ठीक तो है तो ये शॉर्टकट है ये शॉर्टकट हम नहीं देख रहे हम डिटेल में देख रहे हैं तो क्या होगा मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप लिख लो आप वाईक्वल टू क्या होगा ए क्या हो गया ब्रैकेट में अभी आपको पता है यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है ट्वाइस स्मॉल ए ठीक है अब ये कैपिटल ए जो है ना उसकी वैल्यू वहाँ पे साइड में दी गई है जो कि आपको डायरेक्ट नहीं देखना है मैं बता रहा हूँ आपको वो सुनो आप ठीक है तो आपके पास क्या मिला एक साइन वाली टर्म मिली और एक कॉस वाली टर्म मिली तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में ट्वाइस ए साइन टू पाए ब्रैकेट एन वन प्लस एन टू अपॉइंट टू इंटू टी इन टू कॉस टू पाए एन वन माइनस एन टू अपॉइंट टू इंटू टी ठीक है तो यहां पे बाहर आ चुका है अब हम को सामने लिख रहे हैं ठीक है तो क्या आ जाएगा? आ, टू, टू हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बचेगा ठीक है बचा क्या साइन पाएन प्लस एन टू ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी तो इसमें जो ट्वाइस ए, ए कॉस पाए ट कम्प्लीट इन टू टी जो टर्म है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा उसकी जगह पे कैपिटल ए डायरेक्टली ठीक है सो so, अगला स्टेप वन बीट क्या होगा वन बीट मतलब इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू जीरोम वेन अगेन आफ्टर बिकमिंग मिनिमम वंस इन इंटरवर ठीक है तो so, ये आप याद रखेंगे कि वन बीट का मतलब क्या होता है जब साउंड की इंटेंसिटी क्या हो मैक्सिमम हो ओके बिट पीरियड क्या होगा दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगा रेसिप्रोकॉल ऑफ टाइम पीरियड आप देख सकते हैं फॉर्मुले से भी आपको समझ में आ जाएगा तो हम अगला स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी एक फॉर्मूले की तरह है सो so, आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा अगर ना समझे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक नॉन फ्रीक्वेंसी है और एक अननोन फ्रीक्वेंसी है और दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना मिल रहा है एक्स बीट पर सेकेंड ये बीट्स पर सेकेंड आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है जिसको आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं कभी कभी हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं जरूरी नहीं है कि हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करें हम मैक्सिमम टाइम इसको क्या लेंगे एक्स क्योंकि कभी कभी ये कैपिटल एन क्या होता है किसी नंबर के लिए भी रिप्रेजेंट हो जाता है तो फिलहाल के लिए जो डायग्राम में आपको दिख रहा है हम उसी का रेफरेंस लेंगे और हमने क्या करना है एक्स को बोलना है बीट फ्रीक्वेंसी ठीक है सो डिटर्मिनेशन ऑफ अन नोन फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे सपोज टू ट्यूनिंग फोर्क ठीक है सपोज टू ट्यूनिंग फोर्क हाँ उसमें एक नोन है और एक क्या है अननोन है पहले ट्यूनिंग फोर्क का नाम ए बोला है और दूसरे ट्यूनिंग फोर्क का नाम बी बोला है और दोनों को एक साथ हमने क्या किया साउंड किया सो बोथ आर साउंडेड टुगेदर विथ अनदर ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी एन बी एंड एक्स बीट्स आर हर्ड सो ऑब्वियसली बात है इसमें जो भी बीट्स पर सेकेंड आएगा वो दस के नीचे ही आएगा अब इस बात को हम डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोडिंग क्या होता है और फाइलिंग क्या होता है सो so, फाइलिंग करने से कोई भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और लोड करने से किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है जैसे कि अगर कोई आयरन में जंग लग गया हो लोड पड़ गया उस पर लोड चढ़ गया हो जंग ठीक है सो अगर कोई आयरन में लोडिंग कर दी जाए वैक्स कर दिया जाए वैक्स लगा दिया जाए चाकू की धार की बात करें अगर चाकू में आप क्या करो वैक्स लगा दो तो क्या उसकी जो धार होगी शार्प होगी नहीं उसकी फ्रिक्वेंसी तो कम हो गई बट अगर उसको आप फाइल कर दो उसको धार लगा दो तो फाइलिंग करने से शार्प हो जाएगी उसकी जो भी धार रहेगी ठीक है सो और वो क्या हो जाएगा शार्प हो जाएगा काटना आसान हो जाएगा तो फाइलिंग मतलब क्या शार्पिंग करना और लोडिंग मतलब क्या जंग लगाना या तो वैक्स चढ़ाना वैक्स मतलब मैं मोम की बात कर रहा हूँ जो आपको पता है सो आप ये याद रख लो ज़्यादा अच्छा आसान तरीका है लोडिंग करेंगे तो फ्रिक्वेंसी कम लोड कर रहे हो तो नीचे जा रहा है लोड की वजह से फाइलिंग कर रहे हो तो ऊपर आ रहा है ठीक है फाइलिंग so, मतलब ऊपर लोडिंग मतलब नीचे फ्रीक्वेंसी का कम होना ठीक है तो इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप उस एग्जाम्पल को नोट करिए तो लिखिए अ ट्यूनिंग फॉर कैपिटल ए प्रोड्यूसेस थ्री बीट्स पर सेकेंड अ ट्यूनिंग फॉर कैपिटल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइव वन टू हर्ड्स फुल स्टॉप वेन अ लिटिल वैक्स इज स्टक टू अ प्रोंग ऑफ कैपिटल ए

कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी 512 वन दी है वो किसकी है बी वाले की तो एन बी इक्वल टू फाइव वन टू हर्ट ठीक है सो यहां पे आपको और एक चीज दी गई है थ्री बीट्स पर सेकेंड सो थ्री बीट्स पर सेकेंड बोला गया है और बाद में एक क्या किया गया है टू बीट्स पर सेकेंड बोला गया है तो यानी क्या एन ए प्लस माइनस एन बी इक्वल टू थ्री बिफोर वैक्स इज स्टक ऑन इट और एन ए प्लस माइनस एन बी इक्वल टू टू आफ्टर वैक्स स्टक ऑन इट यानी वैक्स चढ़ाने के पहले तीन थी और वैक्स चढ़ाने के बाद कितना हो गई दो हो गई तो यहाँ पे आपको पता है वैक्स चढ़ाने के बाद क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी तो कम होना चाहिए किसी भी ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी कम कब होगी? जब वैक्स उस पर चढ़ाएंगे वैक्स को ही हम लोडिंग बोला करते हैं ठीक है थीके? अब क्वेश्चन में क्या बोला है बिफोर वैक्स ठीक है हमको एक की फ्रीक्वेंसी निकालना है आफ्टर वैक्स तो नहीं निकालना है बिफोर वैक्स निकालना है सो बिफोर वैक्स क्या थी थ्री बीट का डिफरेंस था यानी एन ए प्लस माइनस एन बी इक्वल टू तो क्या है थ्री है सो ऑब्वियस सी बात है एन बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है फाइव वन टू हर्ड्स है तो यानी हम बोल सकते हैं कि एन ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है फाइव वन फाइव हर्ड्स और फाइव ज़ीरो नाइन हर्ट्स समझ रहे हैं आपको यहाँ पे तीन ज़्यादा हो सकता है या तो तीन कम हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है हमने इसको क्या लेना है थ्री बीट्स पर सेकेंड का क्या लेना है या तो एड या तो डिफरेंस मतलब आपको पता है या तो क्या होगा फाइव वन फाइव हर्ड्स होगा एन का फ्रीक्वेंसी या तो एन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा फाइव जीरो नाइन हर्ड्स अब अगर वैक्स ए पे लग गया रहता तो क्या हुआ रहता दो बीट्स से या तो बड़ा रहता या तो ज़्यादा रहता यानी कि वेन लिटिल वैक्स इज टू एन एन ए प्लस माइनस एन बी इक्वल टू टू ठीक है आपको क्वेश्चन में दिया है सो so, एने क्या हो सकता था फाइव वन फोर हर्ड्स या तो एने क्या हो सकता था फाइव वन जीरो हर्ट्स तो हम देख लेते हैं तीन बीट्स पर सेकेंड के लिए एने फाइव वन फाइव हर्ट या तो फाइव जीरो नाइन हर्ट्स लेकिन आफ्टर वैक्स क्या बोला गया है एने कितना हो सकता है फाइव वन फोर हर्ट्स और फाइव वन जीरो हर्ट्स लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है आपके क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर वैक्स यानी कि आफ्टर वैक्स टू बीट पर सेकेंड है लेकिन आपको पता है आफ्टर वैक्स फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी बिफोर वैक्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी ठीक है यानी बिफोर वैक्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी इससे आपको क्या पता चला इससे आपको ये पता चला कि यहाँ पे जितने भी आंसर्स आपको दिए गए हैं बिफोर वैक्स वाले पूछे गए हैं आपको बिफोर वैक्स ही बताना है तो बिफोर वैक्स कितनी होना चाहिए फाइव वन फाइव हर्ड्स ठीक है अब फाइव वन फाइव हर्ड्स क्यों हुई क्योंकि बिफोर वैक्स ए की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी आप देख सकते हैं आप यहां पे आपको एक ही फ्रीक्वेंसी कहां ज्यादा मिल रही है बिफोर वैक्स में फाइव जीरो नाइन लेंगे कि फाइव वन फाइव लेंगे आप खुद डिसाइड कर लीजिए तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए फाइव जीरो सॉरी फाइव वन फाइव हर्ड्स ठीक है अब देखते हैं अगले फॉर्मूले को डिस्कस करने के लिए अगला न्यूमेरिकल अगला फार्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको दिया गया है जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है इंक्रीजिंग है तो आप देख सकते हैं एनएफ के बाद प्लस लगा हुआ है और डिक्रीजिंग है तो एन के बाद माइनस लगा हुआ है यह आपके बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे टर्म दिए गए हैं ऑक्टिव जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं ऑक्टिव यानी क्या होता है ट्वाइस या तो डबल और हमने यूनिसन भी देखा था यूनिसन का मतलब फ्रीक्वेंसी का सेम होना तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे एन एल इक्वल टू एन एफ प्लस इंक्रीजिंग या तो असेंडिंग दो नाम हो सकते हैं डिक्रीजिंग या तो डिसेंडिंग ये भी दो नाम हो सकते हैं तो आप इन दोनों नाम को अच्छे से करके रख लो ठीक है तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल हो जाए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है सो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को लिखेंगे अ सेट ऑफ थर्टी वन ट्यूनिंग फोर्क

सेट ऑफ थर्टी वन ट्यूनिंग फोर्क इज अरेज इन अ सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी सच दैट इच फोर गिव्स फाइव बीट्स पर सेकेंड विथ प्रडिंग वन एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क इज ऑक्टिव ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लास्ट फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क तो यहां पर आपको अंडरलाइन कर लेना है एन एफ इक्वल टू टू इन टू एन एल ठीक है ओके okay. सो so, आगे बढ़ेंगे और यहां पे आपको x की वैल्यू दी है फाइव बीट्स पर सेकेंड या तो फाइव हर्ट्स और सेट कितने का है थर्टी वन का यहाँ पे कैपिटल एन जो है आपका नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क का सेट है तो कैपिटल एन को फॉर्मुले में एरो करके आप लिख लेंगे सेट ऑफ ट्यूनिंग फोर तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहां पे फॉर्मुले में वैल्यू पुट करेंगे तो किसका फॉर्मुला क्वेश्चन में साफ साफ बोला है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो so, अंडरलाइन कर लो डिक्रीजिंग को फार्मूला माइनस वाला यूज़ करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला एन एन इक्वल टू एन एफ माइनस कैपिटल एन माइनस वन ठीक है तो आप जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो आप पहले खुद से चालू करेंगे उसके बाद आप ये वीडियो यूज करेंगे ठीक है तो आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें तो आपने पॉज किया होगा और आपने अभी ट्राई किया होगा तो आपका आंसर कितना आया आप इससे मैच करिएगा तो आपने वैल्यू पुट की होगी मैं आपको गिव्यू वन डेटा बता देता हूँ तो कैपिटल एन इक्वल टू थर्टी वन एक्स इक्वल टू फाइव हर्ट्स एन एफ इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन एल और फॉर्मूला आपने डिक्रीजिंग का यूज किया होगा एनएल इक्वल टू एन एफ माइनस कैपिट ब्रैकेट में कैपिटल एन माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स और वैल्यू पुट करने के बाद आपको एनएल की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पहले निकाल लो मैथमेटिकल टर्म है सो एन एल इक्वल टू कितना मिला होगा वन फिफ्टी हर्ट्स तो ये था न्यूमेरिकल ठीक है तो so, ऐसे ही न्यूमेरिकल हम और भी देखेंगे मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा शीट के टॉप तौर पे पीडीएफ के तौर पे आप उसको भी सॉल्व करेंगे उसके आंसर्स भी वहाँ पे दिए रहेंगे ठीक है